Hey guys, my name is Tejasvi and welcome back to my channel. अभी मैं आई हूँ नासिक में एंड आज मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ नासिक के पांडव केव्स। इसे त्रिरश्मि केव्स और नासिक केव्स ऐसे कई सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है एंड यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रैक भी करना पड़ता है। तो अगर आपको ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है एंड ऐसे हिस्टोरिक प्लेसेस विजिट करना पसंद है तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। पांडवलेनी ये हाईवे के एकदम बाजू में ही है बट फिर भी मैंने यहाँ पर एक स्टे बुक किया है एंड आज मैं यहाँ पर स्टे करने वाली हूँ। मैंने एयरबीएनबी से बुकिंग किया था। अगर आप भी स्टे करना चाहते हो तो मैं उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आपको चेक कर सकते हो। मैंने ये जो स्टे बुक किया है यहाँ से पांडवलेनी सिर्फ 5 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस पर है, तो चलो चलते हैं पांडवलेनी। ये जो पांडवलेनी है ये वन डे प्लेसेस टू विजिट में आता है, तो अगर आप नासिक से ट्रैवल कर रहे हो तो ये सिर्फ 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और अगर आप मुंबई या फिर इगतपुरी से ट्रैवल कर रहे हो तो ये हाईवे के एकदम बाजू में ही है। आपको इसके लिए नासिक सिटी में एंटर नहीं करना होगा, उसके पहले ये आ जाएगा। अब इसका जो भी डायरेक्शन का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर पहुँचते ही बिफोर गोइंग टू पांडवलेनी यहाँ पर एक और प्लेस है जिसका नाम है दादा साहेब फाल्के स्मारक एंड म्यूजियम। ये एक बड़ा सा गार्डन है एंड यहाँ पर अंदर एंट्री करने के लिए 10 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस है, तो अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हो तो आप ये प्लेस भी विजिट कर सकते हो। मैं तो यहाँ से डायरेक्टली जाने वाली हूँ पांडवलेनी एक्सप्लोर करने। अब पांडवलेनी की तरफ जाते टाइम आप देख सकते हो यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे स्टॉल्स है, देन बच्चों को खेलने के लिए है, तो यहाँ पर आप चाय नाश्ता वगैरह करके आपका ट्रैक जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। बस एक चीज ध्यान में रखना, आपको आपके साथ वाटर एंड थोड़ा छोटा मोटा स्नैक्स जो है वो कैरी करना है बिकॉज ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड ऑल्सो अब आप में से कुछ लोग अगर यहाँ पर आपका प्राइवेट व्हीकल लेके आते हो तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर कोई भी प्रॉपर पार्किंग नहीं है, तो आपको रोड साइड ही आपका व्हीकल जो है वो पार्क करना है। तो चलो ये छोटा सा ट्रैक जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऊपर जाने के लिए आपको ये 200 स्टेयर्स जो है वो चढ़ने होते हैं एंड ये स्टेयर्स चढ़ते टाइम आपको आजू बाजू में सब जगह पर सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे जो यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगाए गए हैं। एंड उसी के साथ यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेटिव बोर्ड्स भी है जिस पर इन केव्स की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, तो वो भी आप रीड कर सकते हो। ये एक बहुत ही सिंपल ट्रैक है, यहाँ पर जो ये 200 स्टेयर्स बना है वो एकदम प्रॉपर है, तो आप आपके फैमिली को आपके किड्स वगैरह को यहाँ पर लेके आ सकते हो। इसका टाइमिंग है मॉर्निंग 8:30 AM टू 5:30 PM एंड 5 के बाद वो टिकट देना बंद करते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। 200 स्टेयर्स चढ़ने के बाद ये है इसका मेन एंट्रेंस एंड यहीं पर इसका टिकट काउंटर भी है। पर पर्सन यहाँ पर टिकट है 25 रुपीज़ एंड फॉरेनर्स के लिए है 300 रुपीज़। जब मैं गई थी तब 15 अगस्त था, तो वो टाइम पे एंट्री जो था वो फ्री था। तो गाइज ये है पांडवलेनी, इसे नासिक के और त्रिरश्मि केव ऐसा भी कहा जाता है। नासिक केव इसलिए बिकॉज ये नासिक के पास ही में है एंड त्रिरश्मि इसलिए बिकॉज ये जो माउंटेन पर ये केव जो बनाया है उस माउंटेन का नाम है त्रिरश्मि, इसलिए इसे त्रिरश्मि केव्स भी कहा जाता है। यहाँ पर टोटल 24 ग्रुप ऑफ केव्स है जो फर्स्ट से लेके 3rd century के बीच में बिल्ड किए गए हैं। इनमें से कुछ केव्स डिस्ट्रॉय हुए हैं बट कुछ केव्स आज भी उतने ही सुंदर है। मॉनसून में यह और भी सुंदर लगता है क्योंकि ये केव से जो पानी नीचे गिरता है उससे ऐसे लगता है कि ये कर्टन है केव्स के एंट्रेंस पे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर 24 केव्स है, वो सभी के सभी लाइन में है एंड वो ईस्ट फेसिंग है। यहाँ पर अगर आप अंदर देखोगे तो यहाँ पर अंदर बहुत ही सुंदर रॉक कट स्कल्पचर्स बनाया है, यहाँ पर बड़े बड़े बुद्धा के मूर्तियाँ भी आपको देखने मिलेगी।
मैं शाम के टाइम पे गई थी इसलिए ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे, बहुत अंधेरा था। बट अगर आप इसे प्रॉपरली देखना चाहते हो तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगी आप यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग आए। एज ये ईस्ट फेसिंग है, मॉर्निंग में सनलाइट जो है वो केव्स के अंदर तक जाता है एंड आपको वो अंदर जो भी है वो एकदम प्रॉपरली देखने मिलता है। अब इसमें से मोस्ट ऑफ द केव्स बिहारास है एक्सेप्ट केव नंबर 18। केव नंबर 18 को चैत्या और चैत्य हॉल और चैत्य गृह ऐसे कहा जाता है। इसका मतलब होता है ये एक प्रेयर हॉल है जहाँ पर बीच में सुंदर सा स्तूपा एंड उसके साइड में पिलर्स होते हैं जहाँ पर लोग प्रेयर करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर अंदर एंटर करते टाइम आपको आपके शूज वगैरह जो है वो बाहर ही निकालने होते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर कुछ केव्स ऐसे भी है जो काफी हद तक सिमिलर है, जैसे कि केव नंबर 3 एंड केव नंबर 10 जो है वो काफी हद तक सिमिलर है स्कल्पचर वाइज। ये दोनों भी केव्स काफी पुराने हैं, ऐसा माना जाता है कि जब लोनावला के कारला केव्स बने थे वो टाइम के ये दोनों केव्स है। ये सभी केव्स में से दो केव्स यहाँ के मेन अट्रैक्शन है, एक जो चैत्य जहाँ पर ब्यूटिफुल सा स्तूपा है एंड दूसरा है केव नंबर 10। अब इस केव्स का नाम पांडव लेने क्यों है इसके पीछे भी एक छोटा सा हिस्ट्री है। यहाँ पर ऐसे माना जाता है कि बुद्धिस्ट मॉन्क रहा करते थे एंड वो टाइम पे येलो कलर का रोप पहना करते थे एंड पाली में उसे पुंद्रू ऐसा कहा जाता है, तो इसलिए इसे स्टार्टिंग में पुंद्रू केव्स ऐसे कहा जाता था। बाद में कुछ समय बाद ये पुंद्रू से पांडू हुआ इसका नाम। आफ्टर कुछ डेकेड्स लोगों ने इसे पांडू से पांडव कहना स्टार्ट किया, इसलिए इसका नाम हुआ पांडव लेनी। तो ये था एक छोटा सा हिस्ट्री इस नाम के पीछे, यहाँ पर पांडवर्स का कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब जैसे जैसे ये केव्स देखने के लिए आप ऊपर तक आओगे यहाँ पर टॉप से नीचे का बहुत ही सुंदर व्यू आपको देखने मिलेगा। इसके टॉप से आपको पूरी नासिक सिटी का ब्यूटीफुल व्यू देखने मिलेगा। तो आप यहाँ पर कुछ देर रुक के इस ब्यूटीफुल व्यू का मजा ले सकते हो। अब कुछ चीजें ऐसे हैं जो मैंने यहाँ आने के बाद नोटिस की वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अगर आप यहाँ पे मॉनसून में आते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप प्रॉपर शूज पहने, बिकॉज केव्स के टॉप पे अगर आप जाते हो तो वहां पर बीच बीच में काफी स्लिपरी है तो आपका पैर फिसल सकता है, इसलिए प्रॉपर शूज पहने। आफ्टर दैट आप आपके साथ वाटर छोटा मोटा स्नैक्स जो वो कैरी करें, बिकॉज ऊपर पहुंचने के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको वापस वो 200 स्टेयर जो है वो नीचे उतर के आना होगा। अब सबसे लास्ट में सबसे मेन चीज मैं आपको बताऊंगी, एज ये केव्स का क्लोज टाइम है 5:30 बट 5 o'clock को ही टिकट मिलना बंद होता है। तो अगर आप ये 200 स्टेप्स ऊपर तक चढ़ के आते हो एंड 5 बजे होंगे तो आपको अंदर मेन गेट से एंट्री नहीं मिलेगी, आपको वापस वो 200 स्टेप्स नीचे उतर कर आना होगा। तो ये टाइमिंग वाला चीज जो है वो ध्यान में रखना। तो गाइज ये थे पांडव लेनी, मुझे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एक छोटा सा ट्रैक करने मिला तो उसमें भी एक अलग ही मज़ा था। अगर आप भी ये प्लेस पर आना चाहते हो तो ज़रूर आए एंड आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। एंड उसी के साथ अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। मैं आपके लिए और ऐसे अलग अलग टाइप के मॉनसून के वीडियोज़ बनाते रहूँगी। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।